हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एमएमटीसी लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 100 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक बॉटम बन चुका है वो 96 रुपीज पर है। 96 रुपीज पर स्टॉक ने एक बॉटम बना लिया है का। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो 108 रुपीज पर है। जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। स्टॉक काफी समय से देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है का। जहां पर स्टॉक ऊपर में 108 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है का। और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो 95 रुपीज पर है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 95 रुपीज पर एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर के टारगेट अराउंड 125 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकें। स्टॉक के अंदर जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक स्टॉक ऊपर में 108 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।